प्रश्नावली 11.1 सवाल नंबर पांचवा है, चार तक कल बता दिए थे। देखो ध्यान दो, पांचवा सवाल, त्रिभुज त्रिभुजाकार मैदान जिसकी दो भुजाएं 8 सेमी तथा 15 सेमी और परिमाप दे रखा है 40 सेमी, तो त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो एक दे रखा है त्रिभुजाकार मैदान, ये एक त्रिभुजाकार मैदान है, ठीक है, जैसे नाम दे दे मैंने ए बी और सी। इस मैदान की दो भुजाएं दे रखी है, जैसे मान लो ये एक भुजा तो है 8 और ये एक भुजा है 15 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दे रखा है, इसका क्या दे रखा है परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है इस त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीनों भुजाओं का होना आवश्यक है, यहाँ कितनी भुजाएं दे रखी है दो भुजाएं दे रखी है और क्या दे रखा है परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है ना, 15 और 8 कितनी 23, 15 और 8 कितनी 23, 23 में से 40 घटाओ 17, बताओ ये तीसरी भुजा कितनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, क्या निकालेंगे भुजा। देखो भुजा को हम कैसे लिखते हैं, ए ए मतलब ये वाली भुजा, बी मतलब ये वाली भुजा और सी मतलब ये वाली भुजा। ए तो कितनी दे रखी है 8, बी कितनी दे रखी है 15 और सी हमें करनी है लिखते हैं ए बी सी, जैसे उसमें है हीरो का सूत्र, वो सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे। पहले हमें अगर दो भुजा दे रखी है और परिमाप दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे भुजा निकालेंगे। अगर वो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग बटा दो लगते है तो क्या हो जाता था वो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हो जाता था। लेकिन अभी तो हमें भुजा ज्ञात करनी है ना, कंप्लीट परिमाप की है, परिमाप की जगह परिमाप कितना है 40 बराबर ए कितना 8, बी कितना 15 और सी हमें करना है ज्ञात। देखो 40 का तो 40 ये कितना हो गया 23 प्लस कितना सी, अब ज्ञात क्या करना है सी। तो देखो ये प्लस में इधर किसमें आ जाएगा माइनस में, तो 40 माइनस 23 बराबर क्या आ जाएगा सी, तो 17 आ गया कितना सी, सी का मान कितना गया 17, मतलब ये जो तीसरी भुजा है ये कितनी आ गई 17 17 आ गई ना। अब करेंगे इसका क्षेत्रफल ज्ञात, अगर मैंने बताया हुआ है अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, हीरो का सूत्र, कौन सा लगाएंगे हीरो का सूत्र। अब हीरो का सूत्र क्या होता है बताओ, सबसे पहले तो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा दो अर्ध परिमाप, आधा परिमाप निकाल रहे हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना है 40, परिमाप 40 दे रखा है तो डायरेक्ट भी निकालो 40 बटा 2 कितना आ गया 20, अर्ध परिमाप कितना 20, जैसे यहाँ ए 8 बी 15 और सी कितना 17, सबको जोड़ोगे तब भी कितना आएगा 40 ही आएगा, तो पहले दे रखा है सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आ गया। अब लगाओ सूत्र, बताओ सूत्र क्या होता है हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र से हल होगा ना इसका क्षेत्रफल, तीनों को अलग अलग है, सूत्र क्या होता है एस कोष्ठक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और पूरे के ऊपर क्या लग जाता है अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। अगर वो एस का मान कितना 20, कोष्ठक 20 माइनस ए का मान कितना 8, फिर 20 माइनस कितना, फिर 20 माइनस कितना 17 और सबके ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब देखो आगे हल करो, इधर कर देते हैं 20 का तो 20 इंटू, देखो 20 में से 8 घटाओ कितने बच गए 12 इंटू, यहाँ कितने बच गए 5 इंटू, यहाँ कितने बच गए 3 और सबके ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब देखो वो जोड़े बनाएंगे ना जोड़े, तो सबको टुकड़े में कर लो छोटे छोटे में, क्योंकि वर्गमूल निकालने में आसानी रहेगी, तो जोड़े बनाएंगे देखो ये आ जाएगा अंडर रूट है सही। अब 20 के गुणनखंड करो, ऐसे करो उधर बताया था 20 के 2 का भाग 10 बार, 2 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, टुकड़े क्या हो 2 × 2 × 5 × अब इसके 12 के 2 × 4 × 4 = 12, क्या टुकड़े लगाएंगे 2 × 2 × 3 हो जाएंगे ना,
दो दुनी चार दिया बारह, ऐसे निकाल लेना। और फिर इंटू कितना पीछे पांच, फिर इंटू कितना तीन। अब दो के जोड़े निकाल बना के बाहर निकाल लो। एक तो दो निकल जाएगा दोनों में से, ये एक और दो आ गया इंटू, फिर एक दो इन दोनों में से आ जाएगा दो आ गया, और एक पांच इन दोनों में से आ जाएगा पांच आ गया, और एक तीन इन दोनों में तीन पूरे आ गए। अंदर कुछ नहीं बचा, गुणा कर दो सबको। दो दुनी चार, पंजो बीस, बीस दिया साठ सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सुन में परिमाप से पहले भुजा निकाल लेंगे, और भुजा से वो सूत्र लगा के आराम से आ जाएगा। अब वो वाला देखो दूध छट्टा, देखो उसमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुजाकार मेज जिसकी भुजाओं का अनुपात, एक मेज है टेबल है त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार मतलब ऐसी होगी, ये त्रिभुजाकार मेज है ठीक है ना। इस मेज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ये देख तीन अनुपात चार अनुपात पांच, मतलब आपको ये देखिए ए नाम दे दिया, बी दे दिया, और ये सी दे दिया। इस भुजाओं क्या बोलते हैं ए, इसको बी और इसको सी, कैसे मान दो उल्टा सीधा। तो इसमें जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, एक ए तीन अनुपात चार अनुपात कितना दे रखा है पांच। अब जब भी आपको अनुपात में दे देना भुजाएं, तो जो अनुपात दे रखा है उसके पीछे कोई सा भी नंबर मान लो, कोई सा भी नंबर, जैसे अंग्रेजी एबीसीडी का कोई सा अक्षर मान लो, जैसे माना कि जो पहली भुजाएं ए उसको मान लिया मैंने तीन एन, जैसे अपने नाम का पहला अक्षर ही दे दो, मैंने अपने नाम का पहला अक्षर दे दिया ठीक है। दूसरी भुजाएं बी मान लिया इसको चार एन, तीसरी भुजाएं सी मान लिया उसको पांच एन, ऐसे मान लो कुछ भी अक्षर मान लो। कब मानना है, जब ये किसमें आए अनुपात में। अब देखो तथा परिमाप दे रखा है कितना 36, परिमाप कितना दे रखा है 36, तो मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इस मेज का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास किसकी आवश्यकता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने की किसकी आवश्यकता है भुजाओं की, तीनों भुजाएं अगर हमारे पास है तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भुजाएं नहीं दे रखी है, भुजाओं का क्या दे रखा है पहले हम भुजाएं निकालेंगे। हमें क्या दे रखा है परिमाप, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है परिमाप, बताओ कितना दे रखा है 36 मीटर, कितना दे रखा है। अब देखो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग, मतलब क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 36, ए कितना तीन एन, बी कितना सी कितना बराबर कितना 36, सबको जोड़ लो, तीनों चार सात और पांच कितने एन हो गए 12 एन बराबर कितना 36, मान किसका चाहिए गुणा है तो एन बराबर 36 बटा कितना आ गया 12, 12 बार तो कितनी बार तीन बार गया एन बराबर कितना आ गया। अब देखो भुजा निकालेंगे हम, तो देखो भुजा कैसे निकालेंगे, तीन का तो तीन, एन का मान कितना आया तो तीन दिया कितना हो गया 9, तो पहली भुजा कितने आ गई 9। अब दूसरी भुजा चार का तो चार इंटू एन दीजिए कितना चार दी कितना हो गया 12। अब तीसरी भुजा पांच का तो पांच एन का मान कितना पांच थी तो ये आ गए 9, 12 और 15 भुजा आ गई ना, ये वाली भुजा तो हो गई 9, ये वाली हो गई 12 और ये वाली कितने हो गए 15। अब ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, तीनों भुजा अलग अलग है तो वह कौन सा सूत्र लगाएंगे हीरो का सूत्र, और उससे क्या ज्ञात कर लेंगे इसका क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है मेज का क्षेत्रफल, हमें क्या ज्ञात करना है मेज का क्षेत्रफल, अब इसे लिख दो त्रिभुजाकार मेज का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देना त्रिभुजाकार मेज का क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो का सूत्र लगाएंगे, हीरो का सूत्र लगाने से पहले क्या ज्ञात करना पड़ता है अर्ध परिमाप, क्या ज्ञात करेंगे हमें ज्ञात करना पड़ेगा एस, एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2। अब देखो परिमाप डायरेक्टली दे रखा है कितना ए बी सी लिखने जुड़नी है, क्या लिखोगे 36 बटा 2, 2 का भाग 2 18 बार गया, एस कितना आ गया 18। अब लगाओ सूत्र हीरो का सूत्र, सूत्र क्या होता है एस कोष्ठक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सूत्र को बार बार लिखो ताकि सूत्र तुम्हें याद हो जाए। अब यहाँ देखो आगे, अब देखो याद करना एस कितना है 18,
ऐसा 18 अंक पर माप यहाँ जाएगा 18 कोष्टक 18 माइनस नौ, एक कितना नौ, फिर 18 माइनस 12, फिर 18 माइनस 15 और पूरे के ऊपर क्या जाएगा अंडर रूट। अब देखो 18 का तो 18 हल कर लो, 18 का तो 18 इनटू 18 में से 9 गया तो 12, 18 में से 12 गया तो 18 में से 15 गया तो 3। अब इनके भी क्या कर लो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, 18 कितने होते हैं 3 × 9 = 18, 3 × 9 = 9 वैसे कर लेना उधर डिवाइड करके, ऐसे 18 है 2 का भाग जा रहा है 9 बार, 3 का 3 बार, 3 का तो क्या टुकड़े हुए 18 के, तो 2 × 3 × 3 9 के कितने 3 × 3 और 6 के कितने 2 × 3 और इंटू कितना 3। अब दो दो के जोड़े बना के बाहर निकाल लो, ये सबसे आसान ट्रिक है ताकि तुम्हें वर्गमूल, अगर सबको गुणा करके फिर वर्गमूल निकालोगे ना तो समस्या आती है, गलत होने का चांस ज्यादा रहता है, इसमें गलत होने का चांस 0% है। देखो जो निकल रहा है बाहर निकाल लो, 1 3 तो यहाँ से ये 3, फिर 1 3 यहाँ से ये 3 इंटू, फिर 1 3 यहाँ से ये 3 और 2 भी है, कितनी बार है 2 बार ही है, 1 2 यहाँ से। अब गुणा कर लो, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54 मीटर स्क्वायर। आगे सुनने करो, सातवां सवाल, एक खेत जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, एक खेत है और खेत की आकृति कैसी है त्रिभुजाकार, ये मान लो ऐसा कोई खेत है ये त्रिभुजाकार, ठीक है, खेत की आकृति त्रिभुजाकार है, नाम दे दिया मैंने ए बी और सी, इसकी भुजाएं, ये जो खेत की भुजा, भुजा क्या होगी मेरो की खेत की, इसकी भुजाएं, ये भुजा तो है 20 मीटर और ये भुजा है 51 मीटर और ये भुजा है 37 मीटर, 20, 51 और 37 मीटर हो तो उस खेत में 2 × 3 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है, ये जो खेत है ना खेत, इसमें क्यारा बनानी है, क्यारे जैसे कह रहे गेहूं करते हैं क्यारा बनाते हैं गेहूं के लिए, वो क्यारे बनानी कितनी 2 × 3, जैसे मान लो ये हो गई 2 × 3 की क्यारी, एक क्यारी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो, मतलब ऐसी कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है 2 × 3 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है। अब देखो क्यारियां बनाने से पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस खेत का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, और जो क्षेत्रफल आएगा ना उसमें एक क्यारी के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, एक क्यारी कितने वर्ग मीटर में बन रही है, तो कितने किसकी संख्या आ जाएगी क्यारियों की संख्या। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। देखो तीनों भुजाएं अलग अलग है, मतलब कौन सा सूत्र लगाओगे, हीरो का सूत्र, कौन सा सूत्र लगाओगे, हीरो का सूत्र। देखो सबसे पहले तो ए, जो ए मतलब ए का मतलब ये भुजा ले लो 20 हो गई, बी कितनी हो गई 51 हो गई और सी कितनी हो गई 37 और सबकी सब किसमें है मीटर में, ठीक है ना। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस खेत का, किसका क्या लिखोगे, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हीरो का सूत्र लगाओ तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अर्ध परिमाण, क्या होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब देखो एस बराबर ए कितना 20, बी कितना 51, सी कितना 37 और बटा कितना, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो कितना आएगा 7 × 8 = 108 2 का भाग 2 कितनी बार 54 बार, बताओ इसका अर्ध परिमाप कितना है खेत का 54। अब लगाओ सूत्र, सूत्र क्या है बताओ, क्षेत्रफल ज्ञात करने का, एस कॉस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर एस कितना, एस कितना 54, एस तो होना है परिमाप 54 और एस मतलब 54 माइनस कितना ए मतलब 20, 54 माइनस कितना 54 माइनस कितना 37, ठीक है, और सबके ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब देखो हल करो, 54 का तो 54 इंटू
चौपन में से 30 20 घटाओ कितना बच गया 34। चौपन में से 91 घटाओ 3। चौपन में से 30 घटाओ कितना बच गया 27। कितना बच गया 27। बचा 27। आप देखो वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, टुकड़े कर लो, ठीक है ना, टुकड़े करो तुम तो। और बात बताओ, चौपन के टुकड़े करो इधर, चौपन के करो कितने, 2 का भाग 27 बार, 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, हो गए टुकड़े। चौपन के तो क्या टुकड़े हो गए बताओ, 2 × 3 × 3 × 3 हो गए। अब किसके करने हैं, 34 के करो। अब देखो 34 के बताओ किसका भाग जा रहा है, 2 का, कितनी बार 17 बार, 17 दूनी 34। अब 17 में क्या किसका जाएगा, 17 का एक बार, तो क्या होगा बताओ, टुकड़े क्या होंगे, 2 × 17। आप देखो इंटू किसके करोगे, 27 के, 27 के और है चोर में से, हाँ 17 आएगा, यहाँ कितना आएगा 17, तो बताओ 17 के टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ 17 का 17, चोर में से 30 कटाओगे तो 17 ही बचेगा, ठीक है ना, 27 नहीं बचेगा, तो 17 के टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। अब बाहर निकालो जोड़े बना बना के, एक जोड़ा तो 2 बन गया, एक यहाँ से 3 इंटू तो क्या बनेगा, 17 का बन जाएगा इंटू, फिर कितना बच गया अंदर, 3 बच गया, चौवन के टुकड़े से किए थे ना सर, वो एक 3 रह गया ऊपर, हाँ ये 3 भी था यार, अपन ये 3 भी छोड़ गए यहाँ पे, दोबारा देखो, दोबारा लिखते टुकड़े, देखो यहाँ पे ये जो चौपन था, चौपन के टुकड़े तो क्या है, ये रे कितने हैं, चौपन के टुकड़े कितने हैं, 2 × 3 × 3 × 3 × अब 34 के कितने, ये रे 2 × 17 × और ये 3 और ये 17। अब देखो एक जोड़ा तो बन गया 2 का, ये 2 बार आ गया, एक जोड़ा 3 का, फिर एक जोड़ा 3 का, फिर एक जोड़ा 17, ठीक है ना, आगे सब बात। अब अंदर कोई नहीं बचा, अब पूरा कर लो, 3 दूनी 6 और ये हो गया 70 51, ये तो हो गया 6 और ये हो गया 51, अब गुणा करो 51 से कितना आया, 6 × 5 = 30, 306 मीटर स्क्वायर। बताओ खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 306 मीटर स्क्वायर। अब इस, अब देखो अब ज्ञात करेंगे एक कैरी का क्षेत्रफल, एक कैरी का क्षेत्रफल बताओ, कैरी का क्षेत्रफल ये रहा कितना, 2 × 3 बराबर कितना हो गया, 6 मीटर स्क्वायर। ये तो है एक कैरी का क्षेत्रफल, और ये किसका क्षेत्रफल है, खेत का क्षेत्रफल। अब आपसे पूछा है कि खेत में कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है, अब देखो हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी क्या ज्ञात करनी है, क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या। बताओ सूत्र क्या होता है, क्यारियों की संख्या सूत्र, सूत्र क्या बन जाएगा, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बटा एक क्यारी का क्षेत्रफल, एक क्यारी का क्षेत्रफल। देखो खेत का क्षेत्रफल कितना, ये रहा कितना आया था, 306 बटा एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना, 6, 6 का भाग 2, 6 × 5 = 30, 6 × 1 तो बताओ कितनी कैरियां बनाई जा सकती है, 51 कैरियां। जोड़ बाकी सही करना है, ध्यान रखना है, बाकी आसान है।